अब आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है अपनी आंखों के सामने। और जो 20 22 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने हैं, मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए हो, मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए, हम सब पूरी ताकत से लग जाए, बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा, विकास के हर पैरामीटर हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को विकसित करेंगे, हमारे केंद्र में मानव होगा, हमारे केंद्र में के मानव की आशा आकांक्षाएं होगी। हम जानते हैं भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है। जब मैंने यहां स्वच्छता की बात कही थी मेरी पहले बात है, देश चल पड़ा, जिससे जहां हो सका स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा और गंदगी के प्रति नफरत एक स्वभाव बनता गया। यही तो देश है जिसने इसको करके दिखाया है और कर भी रहा है, आगे भी कर रहा है। यही तो देश है जिसने वैक्सीनेशन दुनिया दुविधा में थी 200 करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया, समय सीमा में कर लिया, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के कर लिया। ये देश कर सकता है, हमने तय किया था देश को खाड़ी के तेल पर हम गुजारा करते हैं, गाड़ी के तेल की ओर कैसे बढ़े, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का सपना बड़ा लगता था, पुराना इतिहास बताता था संभव नहीं है, लेकिन समय से पहले 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करके देश ने इस सपने को पूरा कर दिया है। भाइयों बहनों, 2.5 करोड़ लोगों को इतने कम समय में बिजली कनेक्शन पहुंचाना छोटा काम नहीं था, देश ने करके दिखाया। लाखों परिवारों के घर में जल से नल, नल से जल, नल से जल पहुंचाने का काम आज देश तेज गति से कर रहा है। खुले में शौच से मुक्ति भारत के अंदर आज संभव हो पाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, अनुभव कहता है कि एक बार हम सब संकल्प लेकर के चल पड़े तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पार कर सकते हैं।